अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, बिकॉज बिटकॉइन आ चुका है अपने पिछले ऑल टाइम हाई प्राइस के बहुत ज्यादा करीब। अभी काफी लोगों को ये चिंता यहाँ पर सता रही है कि भाई बिटकॉइन यहाँ से और हायर जाएगा या ये बिटकॉइन जो पिछला टाइम का ऑल टाइम हाई प्राइस था उसको टेस्ट करके वापिस बियर मार्केट स्टार्ट कर देगा, क्योंकि काफी लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे ही बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा उसके बाद मार्केट एक बियर मार्केट में स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बड़े डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई एक्चुअल में बिटकॉइन के ऊपर क्या सिनेरियो हो सकता है, बिटकॉइन अगर न्यू ऑल टाइम प्राइस बनाएगा तो कितना बना सकता है और क्या बिटकॉइन को हमको सेल कर देना चाहिए। बहुत कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर, इतना बोलूंगा, वीडियो को लास्ट में करके एंड तक देखिए। और अगर इस वीडियो पे एम करते हैं 1000 लाइक्स का, मुझे उम्मीद है 1000 लाइक्स आप अगले 24 घंटा पूरे होने से पहले हिट करवा दोगे। सेकंड चीज अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, देखिए मैं पहले भी बोल रहा हूँ अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप अल्टकॉइन में पैसा कमाना चाहते हो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर लगातार भी सिग्नल शेयर किए जाते हैं, काफी सिग्नल शेयर किए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे मार्केट हायर जाएगा और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनने वाली है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर तुरंत ज्वाइन करो। अभी फटाफट मूव करते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की, और बिल्कुल अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम फाइनली पहुंच चुके हैं ऑल टाइम हाई प्राइस के बहुत ज्यादा करीब, क्योंकि जिस वक्त मैंने एंट्री किया था मार्केट के अंदर तकरीबन $16,000 के रेंज के अंदर, उस टाइम मेरा बिलीव यही था कि हालविंग के बाद एक्चुअल मार्केट में बड़ी रैली स्टार्ट होंगी, लेकिन हालविंग के पहले ही मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर कंटिन्यू हुई है और एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ आप देखेंगे मार्केट ने प्रीवियस मंथ का जो कैंडल था उसको क्लोजिंग किया था, और अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल एक न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस के करीब। अगर आप ईयरली कैंडल लगाकर देखोगे तो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा कि जो एक्चुअल ऑल टाइम हाई प्राइस था पिछला वो था तकरीबन 69,000, एक मोटा मोटा फिगर हम पकड़ लेते हैं, और अभी एक्चुअल मार्केट प्राइस ने हिट किया था $68,660 के करीब। मे बी पॉसिबिलिटीज है कि इस वीडियो को शायद अपलोड करने से पहले मार्केट अपने पिछले ऑल टाइम हाई प्राइस को हिट कर दे। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस बनाएगा और मार्केट और भी ज्यादा हायर जाएगा, लेकिन जो लोग बिटकॉइन को होल्ड करके बैठे हैं उनके लिए मैं स्ट्रैटेजी भी ड्यूरिंग द वीडियो शेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एट द एंड ऑफ दिस बुल रन हम चाहते हैं कि हमारे नेटिव करेंसी के अंदर हम एक ह्यूज प्रॉफिट में रहे। इसी वजह से जैसे मैंने एक सोलाना के साथ टेलीग्राम के अंदर स्ट्रैटेजी शेयर किया था जहां पर सोलाना के अंदर हमने प्रॉफिट बुक किया 500% का, सोलाना को सेल करके हमने इन्वेस्टमेंट किया एडीए के यानी कार्डानो के अंदर। वो क्यों इन्वेस्टमेंट किया और जब हम उसको क्लोजिंग करेंगे मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन अभी ये है कि ऑलरेडी सोलाना में हमने 500% का प्रॉफिट बुक कर लिया है और अभी एडीए के अंदर बाकी है कि वो और 1000% ऊपर जा सकता है। मतलब टोटल अगर हम अजम्पशन करते हैं, अगर वो टारगेट हिट होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कारणों के अंदर, तो हमारा टोटल प्रॉफिट 1500% हो जाता है। ये कम से कम की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा तो पिछला बुल रन में हमने कारणों के अंदर ऑलमोस्ट 50x का रिटर्न गेन किए थे। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर ऐसे चीजें शेयर किए जाते हैं। वहीं पर बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट यहाँ पर अपने पिछले ऑल टाइम प्राइस के करीब आ चुका है, और बिटकॉइन कितना हायर जाएगा जाकर अगर हम ये बात करते हैं और कितना ज्यादा हायर जा सकता है, तो भाई देखिए पिछला जो ऑल टाइम प्राइस था उससे जो पिछला बुल रन था मार्केट का 2021 का, उस टाइम मार्केट ने प्राइस परसेंटेज वैल्यू के अंदर अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 247% मार्केट ने आरओआई दिया था पिछले ऑल टाइम हाई से, राइट है। अब अगर हम ये पकड़ के चले कि मार्केट इसका हाफ जाएगा, ठीक है, मतलब तकरीबन 150% अगर हम मोटा मोटा पकड़ के चले कि भाई बिटकॉइन तकरीबन 150% और जाएगा तो तकरीबन ये प्राइस बनता है $1,73,000 के करीब का, राइट है। ये हमारा पर्सनल अजम्पशन, मे बी मार्केट 200% अप जाए, मे बी मार्केट 150% अप जाए, या हो सकता है कि पिछले ऑल टाइम के बाद से मे बी मार्केट 350% हायर जाए। क्यों? क्योंकि भाई ये $1,00,000 का जो मार्क रहेगा उसको क्रॉस करेगा, तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल अभी हम सभी के माइंड में बना हुआ है कि बिटकॉइन कितना हायर जाएगा। मैं अगर आप चाहते हो कि बिटकॉइन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हो उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी को लेकर, तो इस वीडियो को नीचे आप कमेंट करो कि बिटकॉइन एग्जिट स्ट्रैटेजी, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसको मैं कवर कर सकूं। खैर मोटी मोटी बात आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर हम फिबोनाची बेस देखने की कोशिश करें, राइट है,
अगर हम फिबोनाची रिट्रेस में यहाँ पर BRX का चार्ट लगा देते हैं, बिकॉज बिटकॉइन का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है उसके अंदर थोड़े से चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे लास्ट बुल रन के अंदर कि भाई एक्चुअल मार्केट ने कितना किया फिबोनाची के बेस पर, और पिछले बुल रन में मार्केट ने कितना किया, तो अभी के बुल रन में हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची यहाँ पे मार्केट ने तकरीबन और जितने भी फिबोनाची के जोन्स थे उसके अबव एक तरीके से ब्रेकआउट करके मूव किया था। यहाँ पर बात करें तो 3.618 का जो जोन था फिबोनाची का उसको टेस्ट किया था। तो हम यही एजम्पशन लेकर चलेंगे, ठीक है, हम यही बेसिकली एजम्पशन लेकर चलेंगे कि बिटकॉइन एग्जैक्टली इस बुल रन में फिबोनाची के बेस पर कितना जा सकता है। ओके, तो अगर मैं इस हाई प्राइस से लो को कनेक्ट करता हूँ तो तकरीबन यहाँ पर मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन यही है कि बिटकॉइन तकरीबन $156,000 के करीब इस बुल रैली में जा सकता है। बाकी डिमांड इससे भी हाई है। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ETF को लेकर मार्केट के अंदर एक ह्यूज कॉम्पिटिशन चल रहा है। अभी तक की अगर मैं ETF को लेकर बात करता हूँ तो 562 मिलियन बिटकॉइन वर्थ ऑफ बिटकॉइन बेसिकली इनफ्लो हुए हैं पांच यस्टरडे के अंदर, और तकरीबन पांच बिगेस्ट डे का वॉल्यूम यहां पर जनरेट हुआ है। मतलब ETFs के अंदर लगातार बिटकॉइन एक ह्यूज क्वांटिटी में परचेस किया जा रहा है और बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बिटकॉइन को होल्ड किया जा रहा है। सिर्फ ETF ही नहीं, अगर आप ऑन एक्सचेंज की भी बात करते हैं तो आप यहाँ पर गौर करिए लगातार बिटकॉइन जैसे जैसा प्राइस हायर जा रहा है। ओके, ये जो येलो लाइन आपको देखने को मिल रही है बिटकॉइन प्राइस है जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ग्रीन वाला बैलेंस है एक्सचेंजेस के ऊपर कितना बिटकॉइन बैलेंस अवेलेबल है उसका चार्ट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन हायर जा रहा है लेकिन एक्सचेंजेस का बैलेंस लोअर लो जा रहा है। तो सिंपल सा मतलब इसका यही है कि लोग ऑफ एक्सचेंज को अपने बिटकॉइन को रखना चाह रहे हैं, वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन उसको निकालकर ऑफ एक्सचेंज की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक एक सिनेरियो फॉलो होता है मार्केट के अंदर कि जब भी ह्यूज क्वांटिटी में बिटकॉइन एक्सचेंजेस के अंदर इनफ्लो होना स्टार्ट हो जाए तो उसको ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि वहां पर बिटकॉइन का सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। वहीं पर जब ह्यूज क्वांटिटी में बिटकॉइन आउटफ्लो होना स्टार्ट हो जाए एक्सचेंजेस की ओर से तो वहां पर यह प्रिडिक्ट किया जाता है कि यूजर्स बिटकॉइन को निकालकर ऑफ एक्सचेंजेस में जा रहे हैं, मतलब यहां पर अभी सेलिंग प्रेशर बनने का चांस नहीं है। तो वही चीज हमको यहां पर देखने को मिल रही है। इवन अगर आप वैलिड इनफ्लो आउटफ्लो देखेंगे जो रेड वाला आपको नीचे साइन है बेसिकली वो आउटफ्लो का है और जो ग्रीन वाला है वो इनफ्लो का है, तो आप देखो बिल्कुल बड़े बड़े नीचे के साइड में रेड वाले कैंडल्स यहाँ पर बन रहे हैं, बार्स बन रहे, जो कि ये डिटरमाइन किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर लगातार बिटकॉइन का आउटफ्लो हो रहा है इनफ्लो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ह्यूज डिमांड है, बिटकॉइन सप्लाई वैसे ही लिमिटेड है, हाल्विंग के बाद और भी हाफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन हम लेकर चल रहे थे कि भाई हाल्विंग के बाद बिटकॉइन ऑल्टरनेट प्राइस क्रिएट करेगा, पूरी पॉसिबिलिटी से क्या हाल्विंग के पहले ही हमको एक न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई बिटकॉइन क्या यहाँ से वापस क्रैश करना स्टार्ट करेगा, तो ये सवाल आपका सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी ह्यूज डिमांड है जिसके वजह से मार्केट का अंदर जो प्राइस है बिटकॉइन का वो बहुत ज्यादा हायर जा सकता है। तो भाई बिटकॉइन को एक्चुअल में अगर आप बिटकॉइन में बिलीव करते हो तो आप बिटकॉइन को होल्ड करो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, आपको ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप आपके नेटिव करेंसी में प्रॉफिट करना चाहते हो, लेट्स एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई आपका मल्टीपल एक्स प्रॉफिट जनरेट हो, तो भाई बिटकॉइन यहां से कितना परसेंट हायर जाएगा, 100% 200%, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो है तकरीबन यहां पर कितना होगा, मोटा मोटा 100% हो जाएगा, या बहुत ज्यादा अगर मार्केट हाई भी चले गया तो बहुत से बहुत 300% होने वाला है, इससे ज्यादा तो आपका रिटर्न नहीं बनेगा। लेकिन यही वैल्यू को अगर आप इथेरियम में, कार्डानो में या अदर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपका जो रिटर्न है वो और भी ज्यादा हायर बनने का चांस रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिटकॉइन ऑलरेडी काफी हाई जा चुका है और अब हम बिटकॉइन से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बिटकॉइन यहां से 10x है। अरे ये बात समझ में? तो अगर आप आपके नेटिव वैल्यू में अपने ROI को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप बिटकॉइन को सेल करके अदर अल्टकॉइन्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर अभी भी ह्यूज चांसेस है कि वो और भी ज्यादा हायर जा सकता है। होपफुली जो पॉइंट आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे रहेंगे। तो मेरा मेन कहना यहाँ पर यही है कि बिटकॉइन ऑल टाइम प्राइस क्रिएट करेगा, डर कर सेल नहीं करना है। पॉसिबिलिटीज ये भी है कि बिटकॉइन जैसा ही पिछले ऑल टाइम को टेस्ट करेगा मे बी वहां पर छोटा सा एक सेलिंग प्रेशर बने, उसको डर कर आपको सेल नहीं करना है, वहां पर आपको होल्ड करना है। क्योंकि पिछले काफी दफा हमने देखा है जब भी बिटकॉइन अपने ऑल टाइम को टेस्ट करता है तो एक मंथ के लिए वहां पर मार्केट एक थोड़ा बहुत करेक्शन फेस दिखाता है। मे बी वो पॉसिबिलिटीज हमको देखने को मिले, नॉट कंफर्म लेकिन देखने को मिल सकती है। अगर मिलती है तो वहां पर घबरा कर सेल नहीं करना है। अगर आप ये समझ रहे हो कि भाई इसके बाद बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। ओके,
होपफुली जो कॉन्सेप्ट आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो आप क्लियर कट समझ में आपको आ रहा है। और भाई वही चीज अल्टकॉइन में सिग्नल्स चाहते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाकर तुरंत ज्वाइन करो। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जय हिंद।